आज इन लोगों ने मजदूरों की जो जान की कीमत मूली गाजर से भी सस्ती लगा दी है। न्यूज क्लिकर को स्वागत है। मैं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर, जहां पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जितने भी जड़े संगठन हैं उन्होंने आज जो दिल्ली में 15 फरवरी की देर शाम को जो घटना हुई थी, इसमें कम से कम 10 मजदूरों की जलकर मौत हो गई और एक मैन्युफैक्चरिंग मालिक भी उसमें जलने से उसकी मौत हो गई, उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका इनका सबसे बड़ा मांग यही है जो उस घटना के जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले और जो लोग मजदूर मरे हैं उनको न्याय दिया जाए। इसी मांग को लेकर इसी तरह का प्रदर्शन 20 तारीख को इन्हीं संगठनों ने डीएम कार्यालय अलीपुर पर भी दिया था। वहाँ पर भी इनकी मांग थी जो परिवार, जो कि अधिकतर इसमें जो काम करने वाले मजदूर थे वो उनको न्यूनतम वेतन से भी कम पैसा मिलता था और प्रवासी मजदूर हैं अधिकतर, उनके पास डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग थे तो उनके लिए मुआवजे की राशि है वो भी 10 लाख बेहद कम है, इसलिए इसको बढ़ाकर कम से कम 25 लाख किया जाए। और इस तरह के हादसे जो लगातार दिल्ली में राजधानी में हो रहे हैं और देश भर में इस तरह की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं उसको रोकथाम के लिए काम किया जाए और जो भी अधिकारी या जो प्रशासन के लोग इसमें शामिल होते हैं, इस तरह की अवैध फैक्ट्री या ऐसी गाड़ी जिसमें चलाई जाती है उसको रोकने में जो गैर जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं उन पर कार्रवाइयाँ हो। ये घटना कुछ पहली घटना नहीं है, ये जो घटना दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन के कान पर जू नहीं लग रही बिल्कुल। आज हम लेबर कमिश्नर दिल्ली के श्रमायुक्त आर एन शर्मा जी से मिले हैं और सभी ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि और श्रमिकगण मौजूद थे यहाँ पर, और जो घटना हुई है उसके संबंध में हमने सबसे पहली बात बोली है कि बार बार लगातार जो घटनाएं हो रही है अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे रानी झांसी रोड का मसला हो, चाहे मवाना का हो, चाहे मुंडका का हो, उसके बाद में किसी भी ऑफिसर की जवाबदेही तय नहीं होती कि भाई तुम्हारे क्षेत्र के अंदर ये घटना घटी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो वो कमिश्नर साहब ने बोला है इसके बारे में कि एक हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए इसके बारे में कि कौन वहाँ पर इंस्पेक्टर या एरिया ऑफिसर जिम्मेदार थे, वो अपनी रिपोर्ट दें और उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अभी पिछले दिनों अलीपुर में एक फैक्ट्री में आग लगी और 11 मजदूर वो जल के मर गए। उसी संदर्भ में आज दिल्ली के सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस वो एक साथ यहाँ पे दिल्ली सरकार के सामने ये कहने आए हैं कि दिल्ली में फैक्ट्री में आग और फैक्ट्री आग में मजदूरों का मौत, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। हमने ऑडिट रिपोर्ट देखा है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में ये खुद सरकार कह रही है कि दिल्ली में जो फैक्ट्रीज है उसमें कोई नियम कानून, जो श्रम कानून है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो कानून है वो हो, कुछ भी कानून ये सब फैक्ट्रीज में जो है ना लागू होती है ना लागू करने के लिए सरकार के ओर से किसी तरीके का दबाव है। मजदूरों की जो ये लगातार हत्याएं हो रही हैं ये मालिकों और प्रशासन की साठगांठ से, उनकी मिलीभगत से, उनकी लापरवाही से, ये एक तरह का इरादेतन मर्डर है मजदूरों का। क्योंकि जब कारखाना जो इंडस्ट्री एरिया एक्ट के कानून के अधिकार के हिसाब से जब वो कारखाना पास कराने की बात आती है तो जो लेबर इंस्पेक्टर है फैक्ट्री का या लेबर कमिश्नर है वे फैक्ट्री में जाकर देखते नहीं है कहाँ कारखाना चल रहा है, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम है या नहीं है, इमरजेंसी गेट कोई है या नहीं है मजदूर के भागने के लिए, कोई फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम है, फायर का कोई सिलेंडर है आग बुझाने का या नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें पास होने के बाद तब लाइसेंस कारखाने को मिलता था, अभी क्या हो रहा है वो यहीं पर चढ़ावा चढ़ा जाते हैं मालिक लोग जो है फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास, अपना जो भी उड़ा दक्षला देनी है, जो घूस देनी है वो दे देते हैं और वो यहीं से उनके कागज़ पर साइन कर देते हैं कि आप जाओ धड़ल्ले से कारखाना चलाओ। उनकी तरफ से कोई मजदूर मरे, जले, कटे, जिए, जिंदा रहे, मरे, उन्हें उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात हमने बोला कि जो रिहायशी इलाकों के अंदर लगातार जो है ये घटनाएँ हो रही हैं, जो अवेयरनेस प्रतिबंधित फैक्ट्रीज हैं उनकी बाकायदा एनसीडी के साथ मिलकर के सूची बनाई जाए और उनको वहाँ से शिफ्ट करवाया जाए, और शिफ्ट करने के लिए मालिक तैयार ना हो तो उसको बंद करवाना चाहिए।
क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि वो केवल अपने कारखाने के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, आसपास के लोगों को भी वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और अलीपुर की घटना इसका उदाहरण है कि आसपास के 10 से ज़्यादा घर जो है जल करके उनको नुकसान हुआ है। हर साल दिल्ली में फैक्ट्री फायर में मजदूर जल के जिंदा जल के मरते हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, बाहर से बंद करके अंदर फैक्ट्री का कामकाज चलता है। और इसके बावजूद ना दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार इनके कान में जो जा रहे हैं, किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन नहीं होता और इन फैक्ट्रीज को जिस तरीके से वो फंक्शन करें उस तरीके से फंक्शन करने दिया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से छठवीं घटना है 2017 से लेकर किया जाएगा, अभी तक घटनाएं मुख्य रूप से हो चुकी हैं। पिछले वर्ष जब मुटका के अंदर आग लगी थी तो कम से कम उस कारखाने के अंदर 100 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे और 70 मजदूर उसके अंदर चले थे कम से कम, जिसमें कि पूरे मजदूरों की जो है वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाए थे कि कौन मजदूर कहाँ रहता है, किस जिले का है, किस गांव का है, तो कितने को तो पहचाना भी नहीं गया था, वो जल के राख हो गए। और ट्रेड यूनियनों ने लगातार इस मुद्दे को लेकर लेबर डिपार्टमेंट को घेरने की कोशिश करी, सरकारों को घेरने की कोशिश करी। और एक चीज़ और है कि जब ये घटनाएं लगातार इनके अंदर वृद्धि हो रही है और इसी कड़ी में जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार 44 श्रम कानूनों को संशोधन के नाम पर ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड बिल लेकर के आई है, तो इस 4 लेबर कोड बिल जब से आया है वो अभी ज़मीन पर पूर्ण रूप से लागू नहीं है, वो एक अलग बात है। क्योंकि ट्रेड यूनियनों की लगातार हर साल हड़तालें हो रही हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार हमारे संघर्ष चल रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर ट्रेड यूनियनों ने लाल झंडा उठाने वाले लोगों ने पूरी गर्मी का माहौल बना रखा है, तो इसके चलते ज़मीन पर लागू नहीं हो पा रहे, लेकिन उनका असर ज़रूर जो दिखाई दे रहा है। और मालिक पूरा लापरवाही बरत रहे हैं और कह रहे हैं अब तो अपना रामराज है, वो राम जो ये कहते हैं रामराज हैं, वो रामराज क्या है, वो रामराज यही है कि मजदूरों को जो है भट्टी पे झोंक दो, तो कितने मजदूर मर जाए जल जाए, ये रामराज है। तीसरी बात हम लोगों ने बोला है कि जो लेबर कोड है, लेबर कोड जो नया आ रहा है उसमें जो कारखाना अधिनियम है वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जो सीमाएं हैं कि 40 मजदूर होंगे सभी कारखाना जो है अधिनियम के तहत कवरेज में होगा, इसका मतलब है 40 से नीचे जितना भी मजदूर है उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। और भी जो प्रावधान है उसके अंदर कि सेफ्टी कमेटी नहीं बन सकती, 500 का बना दिया है संख्या कि 500 जहाँ मजदूर होंगे केवल वहीं सेफ्टी कमेटी बनेगी, तो इसका मतलब तो कोई कारखाना सेफ्टी कमेटी के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे। तो हमने बोला है उनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लिख के दीजिए, तो उन्होंने फैक्ट्री विभाग के जो अधिकारी उपस्थित थे यहाँ पर उनको उन्होंने बोला हमारे सामने ही कि इसकी पूरी सूची निकालिए कि आपके पास भी जो डाटा अवेलेबल है रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ का, कितनी संख्या वाले कितने कारखाने हैं और कोड आने के बाद में कितने कारखाने हमारे दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये तमाम सारे मजदूर ये माइग्रेंट वर्कर्स ये बाहर से आ रहे हैं, ये अपने मेहनत के कमाई से अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं दिल्ली शहर को चलाते हुए उनको जिंदा जल के मरने के लिए मरने का इजाज़त एक तरीके से दिल्ली सरकार दे रहे हैं। कि ये लोग सबक तो लेते नहीं है उनके बात किसी को, और इनका फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से नकारा है, काम करने को तैयार नहीं है। तो हमने ये मांग करी है कि MCB भी जवाब दे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वही साथ लेबर डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट से चारों मिलकर के जो ना होता है एक कमेटी बनाए जो वर्क जो होता है पूरे एरिया का सर्वे वगैरह करके इंस्पेक्शन वगैरह करके जो है किसी नतीजे पहुँचे। मोदी जी हर काम की गारंटी करते हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी है, लेकिन मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देश के अंदर 80% मजदूर हैं, आपके वोट करके सरकार जो बनाता है वही मजदूरी बनाता है, कोई टाटा बिरला कोई वोट नैन में लगने नहीं जा रहा, तो पैसा वो जरूर दे देंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आप गारंटी की बात कहते हो तो आपका एक बड़ा उपकार होगा मोदी जी, आप मजदूरों को न्यूनतम वेतन की गारंटी दे दो, मजदूरों को ESI की गारंटी दे दो, PF लागू होने की गारंटी दे दो, न्यूनतम मजदूरी कम से कम जिंदा रहने के लिए जो आज जो है सरकारी ग्रेड के हिसाब से 17,494 रुपये है, वो 17,494 रुपये मजदूरों को 12 घंटे में भी नहीं मिल गया,
आज वेतन के नाम पे क्या दिया जा रहा है, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए। और महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है, महिलाओं को तो 5,000, 6,000 रुपए मात्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला भी है, कारखाना जो निरीक्षक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हर जिले के अंदर 2 दिन सप्ताह में बैठेंगे, शिकायतें लेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगली बैठक इन्होंने अगले महीने मार्च में हम ट्रेड यूनियंस के साथ में रखी है, और इसी प्रकार की त्रिपक्षीय बैठक जो है ये हर जिला स्तर पे भी होना शुरू हो जाएंगी। आज की प्रवृत्ति रही, मगर बतौर यूनियन कार्यकर्ता, बतौर ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसके ऊपर निरंतर सजग रहेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमने ये भी बोला है कि अलीपुर की घटना के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत आएगी, हम डायरेक्ट आके आपसे दोबारा में नहीं है। आने वाले दिनों में जो श्रम कोड आने वाले हैं, वो श्रम कोड ये जो हत्या का सिलसिला है, इस हत्या के सिलसिले को कानूनी बनाएगा, क्योंकि श्रम कोड के तहत सारे श्रम कानूनों को पूरी तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी लेबर इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, उसके बावजूद लेबर इंस्पेक्शन नहीं होता, उसके बावजूद फैक्ट्री में कोई नहीं जाता देखने कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो कानून है वो लागू हो रहा है। आने वाले दिनों में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में लेबर इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करना नहीं पड़ेगा, आने वाले दिनों में अगर श्रम कोड लागू होगा तो सेल्फ सर्टिफिकेशन चलेगा। अभी हम हड़ताल जब चल रही थी, हम कैंपेन कर रहे थे, तो वहाँ एक महिला के संग छोटे छोटे बच्चे काम करने जा रहे थे। हमने उस महिला से पूछा, ये बच्चे कहाँ लेके जा रहे हो? बोला ये काम करते हैं हमारे साथ। बोला कितने पैसों में? बोला इनको 2,500 रुपये मिलते हैं, इसको 3,000 रुपये मिलते हैं, मेरे आदमी को मिलते हैं 6,000, मेरे को मिलते हैं 4,000। उन सबका वेतन आप जोड़ लोगे तब भी वो न्यूनतम वेतन के बराबर नहीं हो रहा। मास्टर रोल नहीं है, कौन सा मजदूर काम कर रहा है इसका नहीं दस्तावेज नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बिना नाम का, बिना चेहरे का मजदूर जो दिल्ली शहर को चला रहे हैं, वो जल के मर जाए, मुआवजे लायक भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, इनका परिवार इनको मुआवजा नहीं, क्योंकि नाम ही अगर दर्ज नहीं है मुआवजा मिलेगा कर जिसको? दिल्ली सरकार को ये बात पता है, दिल्ली सरकार के ऑडिट में ये बात मतलब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, केंद्र सरकार को ये बात पता है, ये राष्ट्रीय राजधानी है और फैक्ट्री फायर में मौत ये सिलसिला चल रहा है। ये सामनाथ मार्ग पर जो आए हुए हैं, तो आपके माध्यम से हम इसमें दिल्ली सरकार को भी दोषी मानते हैं और केजरीवाल सरकार को भी दोषी मानते हैं, क्योंकि केजरीवाल में रूपी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। एक DTC के ड्राइवर को 1 करोड़ का मुआवजा दिया था, और इन मजदूरों की जो डेथ हुई तो उनका 10 लाख का मुआवजे की घोषणा कर गए, तो इसका मतलब मजदूरों में फ़र्क हो गया। एक मजदूर, वो भी DTC का ड्राइवर, वो भी तो मजदूर है, उसको 1 करोड़ रुपया दोगे आप, उस मजदूर को 10 लाख रुपये दोगे। नरेले में पिछले महीने फैक्ट्री में आग लगी थी, वहाँ 20 लाख की घोषणा करके करकाए थे। तो ये तो दोहरा चरित्र है केजरीवाल का, ये भी जो है किसी एंगल से ठीक नहीं है। और हमारी केजरीवाल से मांग है कि कम से कम इन मजदूरों को 25-25 लाख रुपए दिया जाए, क्योंकि डिजास्टर से संबंधित जो घोषणा है वो तो वो हम लोगों ने DM को बोला है, लेबर कमिश्नर हमारी रिकमेंडेशन को, सिफारिश को भेज सकते हैं कि ट्रेड यूनियन ने लिख के दिया है निश्चित रूप से, मगर हम ये समझते हैं कि वो DM कार्यालय उस काम को करे दिल्ली सरकार में, और वो ADM सामने बोला भी था परसों, तो मैं लिख करके दूंगा। कारखाने हैं रिहायशी इलाकों के अंदर, राजा बिहार के अंदर, सूरज पार्क के अंदर, तमाम मजदूर बस्तियों के अंदर चोरी से बेसमेंट में कारखाने चल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, छोटे छोटे गेट हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, अगर आग लग गई एक मजदूर जिंदा नहीं निकलेगा बिल्कुल। तो इसलिए इस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि लेबर इंस्पेक्टर जाए, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाए, वो चेकिंग करे, और जो कारखाने ऐसे हैं जो मौत के संग खिलवाड़ कर रहे हैं मजदूरों के साथ, उनको बंद करके और फैक्ट्री एरिया में शिफ्ट किया जाए। आज तमाम सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन से हम लोग ये विरोध प्रदर्शन में आए हैं, आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन मजदूर थे, जो जिम्मेदार है, जो लेबर ऑफिसर जिम्मेदार है उनको सजा दिया जाए, फैक्ट्री मालिक को सजा दिया जाए, और इंस्पेक्शन का जो जिम्मेदारी है लेबर ऑफिस के सामने उस इंस्पेक्शन को किया जाए, गैरकानूनी फैक्ट्री को बंद किया जाए, फैक्ट्री ढंग से लगाया जाए, मजदूरों को ढंग से डिग्निफाइड जॉब सम्मान के साथ नौकरी का ये हक उनको दिया जाए।